Okay. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Good evening, Afif. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. Now, yesterday, I have taken a problem. Many problem, ek baar fir se batata hu. Ek circuit thi. जिसमें करंट वॉज फ्लोइंग टू बी 1 एम्पियर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वॉज 10 ओम दिस करंट बिकम्स 0.5 एम्पियर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 25 ओम सो वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल टू व्हिच द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड ईच टाइम तो सबसे पहले आई हैव टेकन A1 G1 C1 D1 K1 ये वाला तो माइनस ई आई एम गोइंग फ्रॉम A1 टू B1 अपोजिट टू EMF इज माइनस And I am going opposite to current. Opposite to current is plus. So plus 1 into R. Then I come here. B1, C1, mein kuch nahi aayega. Then C1 to D1, I am going opposite to current. So opposite to current is plus. But current akela nahi. Current into resistance. So 1 into 10 equal to 0. And therefore, E equal to 10 plus R. Equation number 1. Now come to second. 0.5 ampere. Same thing, when I go from A2 to B2, minus E, opposite to EMF, opposite A2 to B2, opposite to current, which is plus, current into resistance, 0.5 into R. Then come here, opposite to current again, I'm going from C2 to current is going from the opposite to current is 0.5 into 25. So E ka answer aata hai, 12.5 plus 0.5 R. Equation number 2. Equating 1 and 2 because 1 ka bhi left hand side D, 2 ka bhi left hand side D. So 1 equal to 2 will give me what? 10 plus R equal to 12.5 plus 0.5 R. So isko yahan laya toh, this will become 0.5 R equal to 12.5 minus 10, 2.5. So R equal to 5 ohm. That's the answer. Aaj bahut log absent hai abhi tak aaye nahi. Only there are 3 students who are absent. Jitu, are you there? Jitu has not come. अरे आफिफ जरा जीतू को फोन लगाओ आफिफ यस सर और कौन है ओम मिस्त्री प्रिशा यस सर अरे ओम है प्रिशा शेट्टी नहीं है और अस्का है कि नहीं उष्णा अस्का है वन सेकंड सर आई विल चेक आई थिंक अस्का नहीं है और कोनन कुरैशी कोनन जरा कोनन को भी फोन लगाओ कैन आई रब आउट दिस प्रॉब्लम इफ यू हैव कॉपी खाली इतना कॉपी कर रहा था दिस वन एंड ये ब्लू में जो लिखा है वही कॉपी करना है आज कल बाकी तो लिखा था हमने और आई थिंक वैष्णवी आ गई है अच्छा ओके अगला प्रॉब्लम तो क्या है बहुत आसान है मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ डायग्राम मेरे साथ साथ कॉपी करो तुम लोग और फिर हम लोग प्रॉब्लम फट करके कर देंगे कभी कभी इतने इजी प्रॉब्लम होते हैं कैन यू बिलीव दिस इट्स सो सिंपल देखो ओ टू बी दिस करंट ऑफ 17 एम्पीयर देन This is 3 ampere. Then, this is 2 ampere. Then,
And this is 9 ampere. I equal to what? A percent. A, B, C, D लिखने की जरूरत ही नहीं है. Oral है, orally ये हो जाएगा. ये बना दो खाली. Sir, Jitu is outside. Huh? Yeah. So I called him. He said that he's outside. Oh, he's outside. Okay. And what about Conan and Aska? Ushna? Sir, Aska didn't pick up the call. Acha, and what about Conan Qureshi? Sir, I'm calling her. Okay. कोनिन कुरैशी क्यों नहीं आई? वो तो हमेशा क्या मालूम टाइम पे आ जाती है जनरली. है सर, है कोनिन, है सर. अरे हूँ मैं. हाँ कोनिन. हाँ हाँ. क्यों लेट आई? क्यों लेट आई सर? बुक निकाल रही थी. क्या बुक निकाल, पहले से निकाल के रखने का ना? मैं क्या 4:45 को चालू करूंगा तो 5 o'clock को स्टार्ट होगा मेरा लेक्चर. यू हैव टू डू अरेंजमेंट ना सब पहले से. सर वो 11 की बुक्स के बीच में रखी हुई थी इसलिए नहीं मिल रही थी. पहले से सब करके रखने का. दैट्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड. ओके देखो यहाँ पे देखो बहुत इजी है. किसी को आंसर आया? अली का. ओ देखो सब लोग लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो. कितना हो रहा है? 17 एम्पीयर, 17 एम्पीयर आया है, उसमें से 3 गया तो बचा कितना? 14. 14 में 2 आपके मिला, 14 और 2 तो ये हो गया 16. 16 में से 9 गया तो दिस विल बी 7 एम्पीयर. देयरफॉर आई इक्वल टू 7 एम्पीयर. इट इज सो ओरल. नहीं मालूम पड़ा, एक बार फिर से बताऊं? कैन आई एक्सप्लेन अगेन? अंडरस्टूड. मिटाओ इसको. जनरली तुम्हारे बोर्ड पे पेपर में प्रॉब्लम आएगा इस ढंग का. देखो मैं बताता हूँ व्हाट दे विल बी गिविंग. यू नो दे विल बी गिविंग मोस्टली प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप. मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ. पहले समझ लो आपको कैसे करना है इसके अंदर. यू नो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ शोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन. और जैसे मैंने यहाँ पे लिया I1, लेट अस से यहाँ तक आया I1, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने I2, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 + I2, यहाँ पे होगा I1 + I2, यहाँ पे होगा I1 + I2, उसमें से I2 गया इधर, I1 गया इधर. This is one way of doing. First, number one. Second way can be, इधर से मैं start करता हूँ I1 + I2. इधर तक आएगा I1 + I2. इसमें से suppose यहाँ गया I1, यहाँ आया I2. कोई भी method करो, you will get always the correct answer. Not the same answer, but I'll say correct answer. कभी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से I, यहाँ तक I. यहाँ पे I1 तो ये होगा I - I1. आई एक्सप्लेन, डोंट वरी. यहाँ पे I - I1, यहाँ पे I - I1, इन दोनों का मिलन होगा तो दिस विल बी I. दिस इज सेकेंड वे, दिस इज थर्ड वे. और भी पॉसिबल है, बहुत सारे वेज पॉसिबल है. जैसे एक पॉसिबल ये भी है, यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करता हूँ I1 + I2, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ I1 + I2, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे आया I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, और यहाँ पे I1 + I2. अब देखो सब लिखना बंद कर दो. आपको कॉपी मारने में इजी पड़ेगा, समझ लो खाली. हाउ टू अंडरस्टैंड.
देखो ऐसे जनरली तीन ब्रांच होंगी, यहाँ से सपोज आपने स्टार्ट किया आई वन ऊपर से, देखो हाँ ये आई वन है तो यहाँ तक आई वन आएगा, और सपोज यहाँ पे आपने आई टू स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोज आई टू स्टार्ट किया तो आई वन आई टू दोनों का मिलन होगा यहाँ पे, तो इतनी की आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, फिर उसमें से आई टू गया यहाँ पे, आई वन गया वहां पे, दिस इज वन। सेकेंडली यहाँ से आपने सपोज आई वन प्लस आई टू स्टार्ट किया, यहाँ तक आई वन प्लस आई टू, यहाँ पे गया आई वन, यहाँ पे आया आई टू, आई टू आई टू आई टू, यहाँ से आई वन, ये दोनों का होगा मिलन यहाँ पे, और आई वन प्लस आई टू ऊपर। नंबर थ्री, यहाँ से सपोज स्टार्ट किया आई, तो यहाँ तक आएगा आई, आई में से सपोज आई वन गया यहाँ पे तो बचा कितना, फ्रॉम आई इफ आई वन गोज हियर हाउ मच रिमेन्स, आई में से आई वन गया तो बचा कितना, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई, ये दोनों का मिलन हुआ यहाँ पे आई, और फोर्थ में मैंने बीच में से आई वन पे साइड किया, तो यहाँ पे आई वन, यहाँ पे आई टू, ये दोनों का मिलन वापस आई वन पे साइड, कुछ कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ से आई वन पे साइड स्टार्ट कर सकते हो, आई वन यहाँ पे, आई टू यहाँ पे, बहुत सारे बेज हैं। तो वो बेसिकली व्हाट आई एम शोइंग यू नो, यहाँ पे आई वन प्लस आई टू का आंसर दो एम्पियर आएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ आई टू का आंसर दो एम्पियर आएगा, यहाँ पे आई का थ्री होगा, यहाँ पे इसका वन होगा, तो थ्री माइनस वन टू एम्पियर, मतलब आंसर विल कम सेम, आई वन आई टू की वैल्यू अलग डिफरेंट आ सकते हैं, बट फाइनल आंसर इन वॉट एवर मे बी द करंट डिस्ट्रीब्यूशन यू विल गेट द सेम आंसर। कुछ डाउट है मेरे को पूछ लो प्लीज। अस्का, ओ अस्का, अस्का अनम्यूट, अस्का अनम्यूट योर सेल्फ, देखो अस्का अनम्यूट ही नहीं कर रही है, कॉपी किया ये प्यारे बच्चों, बच्चों कॉपी किया? नो सर कॉपी, यस सर, इसके बाद एक डायग्राम बना लो सीधा, पहले प्रॉब्लम नहीं कर दो, मिटा रहा हूं अब मैं। अच्छा तुम लोगों के पास नोट्स है, नोट्स आई, डू यू हैव नोट्स? नो यस सर, वो तो एमसीटी के एमसीक्यू की नोट्स है, ट्वेल्थ की नहीं मिली अभी तक, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ट्वेल्थ की नहीं दी है, ओके ओके, हाँ तो एक प्रॉब्लम लिखो, देखो अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स, एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कैन यू रिपीट, हाँ, is connected in parallel with another battery of EMF 5 volt and internal resistance 2 ohms. Full stop. This combination is used to send, current through an external resistance of 8 ohms. Calculate the current through. So this combination. 8 ohm resistance. Kya bolo? So this combination is used. This combination is used to send current through external resistance. Through external resistance. Find, ये लिखा है यहां से देखते हैं, find current through 8 ohm resistance. और डायग्राम बना, डायग्राम दिया नहीं है,
अधिक रहे हैं 6 वोल्ट। डायग्राम बनाओ, दिया हुआ नहीं है डायग्राम? इसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हमें कर रहे हैं, हमको सोचना है कैसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन देना है। अरे अटेंडेंस कौन लेगा आज भेजने के लिए? जीतू नहीं है तो कौन है अदर पर्सन हु इज टेकिंग अटेंडेंस? मी सर। ओके इधर देखो, सब लोग अब लिखना बंद कर दो, लिखने का बंद कर दो, लिखने का बंद कर दो, मेरी बात सुनो। आई एम गोइंग टू आस्क, मैं जो बता रहा हूँ अभी जो बोलने वाला हूँ ना वो सेम बोलना पड़ेगा आपको। देयर इज अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। दिस कॉम्बिनेशन इज सेंडिंग करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। मुर्तजा प्रॉब्लम बता, मुर्तजा बैटरी ऑफ 6 वोल्ट विच हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम विच इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम्स। वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। लवली आंसर, आई लाइक इट, आई लाइक इट मुर्तजा। What I do, you know, current distribution, I do like this. Suppose ये बैटरी ने I1 करंट भेजा, ये बैटरी ने I2 करंट भेजा, तो यहां तक तो I1 ही आएगा। यहां पे इन दोनों का क्या होगा? एक जंक्शन है, दोनों का क्या होगा? I1 I2 का? सर I1 plus I2। Lovely, बहुत अच्छा आंसर, I1 plus I2, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे, I1 plus I2। अब मुझे बताओ यहाँ I1 डालूँ या I2 डालूँ? XC यहाँ पे अंदर सर I2। I1 या I2 कुछ भी चलेगा, I2 only क्योंकि वहाँ पे I2 है और यहाँ पे I1। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हमको अप्लाई करना है ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऑलराइट, मैं अप्लाई करता हूँ KVL, अप्लाई KVL टू लूप से ए बी सी एफ ए। अप्लाई KVL टू लूप ए बी सी एफ ए। ऑलराइट, ए टू बी, आई एम गोइंग ए टू बी, तो आई राइट -6 क्योंकि आई एम गोइंग अपोजिट टू EMF। EMF का डायरेक्शन देखो, एरो इज फ्रॉम बी टू ए, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ये ए टू बी है, एंड आई एम गोइंग अपोजिट टू करंट, तो इट विल बी +2 I1। Then B to C only current is there, so I'm not writing anything. C to F, I'll write -5 volt. Then I'll write +2 I2. Then F to A, nothing will come, equal to 0. Is my good mistake here? It will come +5. That's very good, Bhargesh. और दूसरा कुछ, और कुछ सर? सर शायद से वो I1 into 2, शायद से सर इट विल कम -2 into I2। अब आ गया, अब बर्गेस, अब तुमको आ गया पूरा। I'm really happy about you, Conan, you also understood, I'm sure, very good. So I get 2 I1 plus 2 I2 equal to 1, or
I1 plus I2 equal to 0.5. Equation number one. I1 minus I2. All right. Now apply KVL to another loop. F, C, D, E, F. Apply KVL to loop. अच्छा कल मेरे दो लेक्चर है उसमें एक लेक्चर में मैथ्स का डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा 11th स्टैंडर्ड का और दोज हु आर पीसीबी स्टूडेंट आल्सो विल अटेंड दैट लेक्चर बिकॉज दैट डेरिवेटिव विल बी यूजिंग इन डिटेल इन 12th फिजिक्स बहुत काम का है सबको अटेंड कर रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू टेकन मैथ्स और नॉट इज दिस क्लियर और नॉट कल का मेरा ख्याल से 6 to 7:20 है एक लेक्चर फिजिक्स का एक लेक्चर मैथ्स का ऐसा मैंने लेने का प्लान किया है ओके देख लो FCDEF अपने आप लिख डालो अपने आप कुछ ना कुछ जो आपको समझ में आता है लिख डालो और फिर मैं लिखूंगा आंसर वो कंपेयर कर देना हाँ मैं लिखता हूं F टू C माइनस फाइव आई एम गोइंग टू लीव अ मिस्टेक वो हमेशा ध्यान रखना प्लस टू आई टू बोलो क्या मिस्टेक है इसमें एनीवन एक स्टूडेंट बताएगा मुझे मिस्टेक ही विल बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास सर नो मिस्टेक यस सर नो मिस्टेक अरे ऐसे कैसे हो सकता है हुसैन दागीना कल कहां था सर आ गया डोंट मिस एनी लेक्चर देयर इज नो मिस्टेक दैट्स लवली बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है 8 I2 plus 2 I2 is 10 I2. अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए तुम क्या नाम है तुम्हारा भार्गेश एंड उष्णा बोथ ऑफ यू कल की डाट का असर हो गया बहुत अच्छा आंसर दिया दोनों ने आई रियली अप्रिशिएट विजन नंबर टू इट वाज विधि किसने दिया विधि दिया अरे यार मेरे को समझ में नहीं आता है विधि तो ऑलवेज विधि इज माई फेवरेट All time favorite. Okay, तो इसको जब simplify करेंगे तो I1 का answer रहता है 5/9 ampere. And I2 का answer आता है 1/18 ampere. And current through 8 ohm resistance equal to I1 plus I2 यानी कि 5/9 plus 1/18 यानी कि 10/18 plus 1/18 यानी कि 11/18 ampere. 11/18 ampere. There is the answer. तो आपको एक नया डायग्राम बनाने का
जगह जगह इधर बना देता हूं मैं, नया डायग्राम मैं इसी के अंदर बता देता हूँ कि आपको नया डायग्राम बनाने के बदले आई वन वगैरह निकाल देने का, आई टू वगैरह निकाल देने का ये, और इधर आंसर लिख देने का. आई वन का आंसर कितना है 5/9, तो इधर लिखने का 5/9 एम्पीयर. This is 5/9 एम्पीयर and this is 1/18 एम्पीयर. This is 11/18 एम्पीयर. 11/18 एम्पीयर. This is 1/18 एम्पीयर and this is 5/9. ऐसा आंसर दे देगा. आंसर ऐसा करो, लास्ट में डायग्राम वापस बनाओ और ये आंसर दे दो. This is the way. करंट टू ईच ब्रांच पूछा होगा तो भी समझ जाएगा. ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईडी पूछा होता तो 8 × 11/18 से मल्टीप्लाई करना है पीडी अक्रॉस ईडी. पीडी अक्रॉस 8 ओम इक्वल टू आई आर, यानी कि 11/18 × 8, यानी कि 88/18, यानी कि 44/9 एम्पीयर. ये पूछा एडिशनल में मैंने दे दिया. ये आंसर है, आंसर भी बनाने का. अच्छा, जो मैंने आई वन आई टू हटा के उनके आंसर लिख दिया है. आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. और ये मैंने पीडी निकाला. अगर कोई बोला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 ओम तो 8 × का रहेगा आई आर 44/9 एम्पीयर. 44/9 एम्पीयर कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़ू मैं कि नहीं, कि रुकना चाहते हो प्यारे बच्चों? ओ डियर स्टूडेंट्स, कैन आई रब आउट? अरे कोई तो बोलो यार. यस सर. ओके, अब है ना यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको. ये 6 वोल्ट 5 वोल्ट और 8 ओम ये खाली बदलता हूँ और ये इंटरनल एडिशन बदलता हूँ. देखो इसको लिख दो 8 वोल्ट, इसको कर दो 3 वोल्ट, इसको कर दो 2 ओम, इसको कर दो 3 ओम और इसको कर दो 10 ओम. और ये होमवर्क करना है. जगह छोड़ दो, लाल वाला कॉपी मत कर लेना, लाल वाले आंसर नहीं है, वो आई वन आई टू करना है आपको. 6 वोल्ट था उसके बदले 8 वोल्ट 2 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम एंड 10 ओम. होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क. अगला प्रॉब्लम आपके सामने, लिखो. बताओ इसको, अगला प्रॉब्लम लिखो, राइट डाउन. ऐसा लिखो, अ सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, अ सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, अ सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट. All right. And internal resistance 4 ohm. And internal resistance 4 ohm. This connected to, is connected to two resistances of 10 ohm and 24 ohm.
10 ohm and 24 ohm joined in parallel. Joined in parallel. Find the current through each resistance. Find current through each resistance. And total current in the circuit. And total current in the circuit. And total current in the circuit using Kirchhoff's laws. Okay. देखो ये डायग्राम हमने बनाया सेल का ऑफ EMF 3 वोल्ट and internal resistance 4 ohm. It is connected to two resistances, 10 ohm and 24 ohm, joined in parallel. We do find current through 10 ohm as well as 24 ohm. So, इस बारे ना, actually current distribution कुछ भी ले यो, you'll get the answer. मैं ऐसा करता हूँ, इस बारे ना, यहाँ से start करता हूँ, I1 plus I2. तो यहाँ तक आता है, I1 plus I2. यहाँ गया, let us say I1. यहाँ आया, let us say I2. और यहाँ पे आया I1, तो दोनों का मिलन हुआ, ऊपर गया I1 plus I2. ऐसा जरूरी नहीं है कि यही करो, लेकिन I will explain. Even previous problem you can do by this circuit, you will get the same answers at the end. Negative answer current का आएगा तो उसको reverse कर देने का. Direction of current should be reverse if answer comes negative. मैं चाहता हूँ ABCFA में आप लोग करो और FCDEF में करो. करंट का ये इक्वेशन लिखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड देन कंपेयर विथ माय आंसर्स. और घर के बाहर तुम लोग ज्यादा निकलो मत, इफ पॉसिबल घर के अंदर रहो, एंड डोंट रोम अराउंड. बॉम्बे में सबसे वर्स्ट अफेक्टेड इन द वर्ल्ड, 8,800 केसेस हैव कम. ऑल ऑफ यू नो इट. आफीफ, डू यू नो? नो सर. मुंबई इज द वर्स्ट अफेक्टेड इन द एंटायर वर्ल्ड विद कोविड. मोर देन 8,000 केसेस ओनली इन मुंबई. कोई किसी किसी देश में आता है, पूरे देश का 8,000 केसेस है छोटे छोटे देश में. हमारे तो बॉम्बे में अकेला कल रिकॉर्ड ब्रेक किया है. इसलिए आप घर में रहो, घर में भी मास्क पहन के रहो, पढ़ाई करते रहो दिन रात, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, गो ऑन गेटिंग नॉलेज. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मोर देन 8,000 केसेस कल आए थे? जस्ट स्पीक. आई नो कल कौन बोल सकते? नहीं पता सर. किसको पता है? सर बाहर गेस्ट में. सर द ग्रेट बाहर गेस्ट. ओके, जीतू आ गया मैदान में. जीतू, आर यू देयर? हां सर. क्यों, कहां घूम रहे थे? सर वो थोड़ा सा काम आ गया सर इसके. अरे मत जा बाहर, मत जा घर के. यू नो लेस देन 10 ईयर ओल्ड 840 स्टूडेंट्स, 840 बच्चों को आया बेंगलोर में, लेस देन 10 ईयर ओल्ड. अरे लेकिन अभी 10 to 20 का फिगर चाहिए क्या तुमको? तो ही तुम रुकोगे. चलो ओके, अब मैं ये लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा कंपेयर करो. इट इज रियली वर्स्ट, डोंट टेक चांसेस.
A B C F A. A B. A to B. ये पहले बताओ राइट है कि रॉन्ग है. टोटली रॉन्ग है कि राइट है कुछ. सर रॉन्ग है. रॉन्ग है. रॉन्ग को मैं मान लेता हूं. दिस इज रॉन्ग. ओके अब है ना. मुझे कौन बोलेगा कि मैं आंसर देना चाहता हूं. अफीफ जीतू और नो नो अफीफ जीतू और विधि को छोड़ के. सर मैं ट्राई करूं. हाँ यस ट्राई करो बेटा. चलो माइनस थ्री प्लस फोर इंटू आई वन प्लस आई टू या माइनस टेन आई इज इक्वल टू जीरो. आई किधर है. आई आई तो है माइनस टेन आई वन है. माइनस टेन आई वन. एनीथिंग रॉन्ग. मुझे भार्गेश बताए. भार्गेश नहीं हुसैन. हुसैन तो आया नहीं था कल. माज ये राइट है कि रॉन्ग है कुछ इसमें. माज माज शेख. अरे माज ओम. सर इज इट प्लस टेन आई वन. दैट इज राइट बिकॉज ऑपोजिट कर रहे हैं. वैष्णवी सी टू एफ जा रहे हैं ना हम लोग. ए बी सी एफ ए सी टू एफ. इट इज ऑपोजिट टू करेंट सो प्लस. सो दैट इज राइट आंसर. आई थिंक इट वाज कृष्णा. किसने आंसर दिया ये. यस सर मी. ओके गुड. Then I two. No. Ten I one plus four I one. 14 I one plus four I two equal to three. Equation number one. और ये F C D E F. F C D E F लिखो अपने आप. FC minus 10 I1 minus 24 I2 equal to 0. There is a mistake. What is the mistake? Jaldi batao. Less than 1 minute. So plus 24 I2. That is right. Solve 1 and 2 and get the answer of I1 and I2. इसको सॉल्व करना यू विल गेट द आंसर. हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा है तो ज्यादा कुछ करने की